हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। तो अभी यहाँ पर स्क्वैश एक पर्टिकुलर गेम है, ठीक है, जिसका हमें वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट टू इन चेन्नई, तमिलनाडु में हो रहा है ये, ठीक है। तो रिसेंटली आपका जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन बोर्ड है, उन्होंने डिसाइड किया है द वेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, ठीक है। तो 2023 में जो आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर। अब यहाँ पर देयर आर 8 टीम्स, ठीक है, फ्रॉम द 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो हमारे जो 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से 8 टीम्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस वर्ल्ड कप के लिए आपके यहाँ पर कॉम्पिटिशन में है। ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, इजिप्ट, हांगकॉन्ग, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। अब स्क्वैश एज अ गेम क्या गेम है, ठीक है, बहुत नया नया सुनने को मिल रहा है, ठीक है, और फाइनली हमारे देश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में हम और सारी जानकारी जो है उसको करते हैं कवर। चलिए उससे पहले देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिसमें आप लोग जो बैच कोर्सेज हैं वो यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, और 3 साल का पूरा यहाँ पर बैच को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर आपकी तैयारी जो है वो अनअकैडमी पूरी तरीके से कराएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 50% का डिस्काउंट। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AMS लाइव। कोड क्या है आपका, AMS लाइव। जब भी आप इस कोड का यूज़ करोगे यू विल गेट 50% डिस्काउंट। नाउ दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके बाद देखिए, जैसे कि आप लोगों के प्रिलिम्स के रिजल्ट आ गए हैं, तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री क्लियर हो गया है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 2023 तैयारी जीत की, ठीक है। नाउ दिस इज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 18th of June। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड क्या है आपका, AMS लाइव, ठीक है, कोड का इस्तेमाल करना आपको यहाँ पर नहीं भूलना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभ बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है, 8 जून से शुरू हो गया है यहाँ पर ये। अब आप लोगों के लिए ऑप्शनल बैचेस भी हैं, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। इफ़ एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल यू कैन एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। चलिए स्क्वैश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वैश जो है इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, टैलेंट एंड फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का। स्क्वैश यहाँ पर ऑफर करता है न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। देखिए कोई भी आप गेम खेल रहे हो, इट गिव्स यू एन नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, और इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी इस प्रकार से ही किया जाता है कि ये हेल्दीएस्ट स्पोर्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इस पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई हाँ स्क्वैश जो है इट्स अ हेल्दीएस्ट गेम एंड इट कैन बी प्लेड ईयर राउंड, ठीक है, इन एनी वेदर कंडीशन बाय प्लेयर्स ऑफ अ स्किल लेवल, मतलब जिनकी यहाँ पर जिनको आता है खेलना, ठीक है, दे कैन इन्जॉय इट इन एनी वेदर कंडीशन, ठीक है, कभी भी खेल सकते हैं। ऑलराइट, अब इस गेम के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको खेला जाता है। तो स्क्वैश क्या है कि टिपिकली इसको 2 प्लेयर्स द्वारा खेला जाता है, ठीक है, फॉर सिंगल्स मैचेस और फॉर और 4 प्लेयर्स यहाँ पर इसको डबल मैचेस के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो गेम है ये आपका खेला जाता है ऑन अ 4 वॉल्ड जो आपके 4 खानों वाली, मतलब जो वॉल है, ठीक है, जो कोर्ट होते हैं आपके वहाँ पर खेला जाता है विद अ स्मॉल हॉलो रबर बॉल, ठीक है, जो आपकी स्मॉल रबर बॉल होती है उसके साथ खेला जाता है। तो ये जो बॉल है वो हिट करनी चाहिए अगेंस्ट दी फ्रंट ऑफ द बॉल, ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली जब आप इस गेम को देखोगे यू आर गोना अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, कि यहाँ पर आपका 4 वॉल्ड कोर्ट हो गया, ठीक है, 4 दीवारें हैं उसमें, एक स्मॉल रबर बॉल दी जाती है आपको, यू हैव दैट रैकेट एज वेल, तो आपको उसको जो बॉल है उसको हिट करना है अगेंस्ट द फ्रंट वॉल, ठीक है, और उसके लिए आपकी एक अबव लाइन जो है वो बना दी जाती है, एक बाउंड्री लाइन बना दी जाती है नियर द फ्लोर, ठीक है। अब वहाँ तक आपको इस बॉल को हिट करना ही है तभी यू क्वालिफाइड, ठीक है, कि हाँ मान लो आपने एक यहाँ पर राउंड परफेक्टली खेल लिया। तो ये जो मैच है इस कंसिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ आइदर 3 और 5 गेम्स,
ठीक है, हर एक गेम जो है वो खेला जाता है विद 11 points. जो फर्स्ट प्लेयर है ठीक है वो यहाँ पर 11 points पे पहुँच गया तो वो जीत जाता है इस गेम को, अनलेस जो स्कोर है दैट बिकम्स 10-all. ठीक है, इन दैट केस जो गेम कंटिन्यू है वो कंटिन्यू होता है अनटिल द वन प्लेयर जो है वो यहाँ पर 2 points से जीतना चाहे. ओके, सो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. अगर आप इस गेम को देखोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर इन योर हेड. ओके, चलिए फिर इसके बाद हमारे लिए इस पूरे उसमें इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन. देखिए वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो है जो कि यहाँ पर इस गेम को आयोजित करा रही है, ठीक है, तो इसको फॉर्म किया गया था 1967 में. जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है स्क्वैश गेम के लिए, और जो इसके मेंबर हैं दे आर ऑफ द जर्नल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ IOC रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जो मेंबरशिप है वो हमें 123 नेशनल स्क्वैश फेडरेशन में देखने को मिलती है, एंड इट्स अ क्लोज वर्किंग अलायंस विद इट्स 5 continental फेडरेशंस. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन ही आपका जो वर्ल्ड कप है इस गेम का वो आयोजित कर रही है 2023 का, विच इज बीन हेल्ड इन चेन्नई. ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में आपका ये जो गेम है उसको यहाँ पर खेला जाएगा. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो 4 important continents हैं ठीक है वो इसमें मेजर पार्ट रहेंगे. ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ. तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ जो वर्ल्ड कप खेलेंगी दे आर ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, इजिप्ट, हांगकांग, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका. तो कंपटीशन इन 8 countries में हमें देखने को मिल रहा है, 8 teams हैं ये. ठीक है, जिनमें हमें ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, चलिए, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर गेम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है. ठीक है, चलिए, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन को याद रखना कि इसको फॉर्म कब किया गया था, 1967 में. इंटरनेशनल फेडरेशन है आपकी ये. ठीक है, चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट रहते हैं डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक इट, शेयर भी करना. ठीक है, और अगर आप नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे. बाय एवरीवन.